Yeah, yeah, I take Bible. United States, maybe. Yeah, I'm married in US, married in US. Okay, hair, glass, there's some rings. That's my one for gold boy. Yeah, Purana cameras bhi hai. Yeah. I thought Kupis is in more than one or Not working on it. वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इवेंट हो रहा है पीछे, मैं भी जाएंगे यहाँ पर। तीन समथिंग जो पक्षियों की फाइट चल रही है अंदर, तो इंटरेस्टिंग है। और ये है कैफे, वो वीकेंड में खुलता है। ज़्यादा कैफे का अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलता है, थोड़ा ट्राई भी करेंगे फूड वूड। तो इसके एंट्री जो फी है ना, वो 40,000 डॉन्ग, मतलब 120 से पर पर्सन। तो ये है मार्केट, और यहाँ पे आपको कॉफ़ी वगैरह फ्री मिलेगा आई थिंक। ये है एरिया, यहाँ पर आप सामान खरीद भी सकते हो यहाँ पर। वाओ, सब एंटिक बाइक है, बहुत सारे एंटिक बाइक है, आप देख रहे हो। ये एक ला कर रखा है, और यहाँ पर सब सामान है, पुराना एंटिक सामान। यहाँ पे एंटिक ग्लास वगैरह है भाई, सब एंटिक चीज़ें यहाँ पर, सब कुछ टेप रिकॉर्डर से लेके। और आप ख़रीद भी सकते हो, काइंड ऑफ एग्जीबिशन टाइप है एंटिक शोज का। तो और कैफ़े भी है ऊपर, आई थिंक लोग बैठ के कैफ़े का मज़ा ले रहे हैं और बैठे हैं आई थिंक। तो ये टिकट के साथ हमें कॉफ़ी मिला है फ्री, तो 40,000 में कॉफ़ी भी फ्री मिलता है, ठीक है। क्या है यहाँ पे टिकट नहीं होगा तो सब घुस जाएंगे। ये है उनकी कॉइन, पुराने कॉइन है। और ये बाइक सेक्शन है, वहाँ पर भी पुराने सब आइटम्स है। ऊपर आई थिंक कैफे दी जाते ना, यहाँ पर टेप रिकॉर्डर वगैरह, री स्टोर वगैरह, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर, पीतल के सामान है। वाह, इंडियन कॉइन भी है इसके अंदर, आप देख रहे हो। वाह, और ये भी पुराने पैसे हैं, मैं भी एक्सपेंसिव है इसलिए इसके अंदर रखे हूँ। हाँ, 10 रुपया इंडिया के भी कुछ एंटिक कॉइन है। सर मुझे पता था तो मैं यहाँ पे लेके सेल कर देता, कैन यू आस्क ही डज बाय इंडियन एंटिक कॉइन। यहाँ पे भी है, वाओ, टेप टाइपराइटर, पुराने जमाने में इसे जो राइटर वगैरह लिखते थे ना, वो भी है। और यहाँ पे हेड्स वगैरह है पुराने, बुक्स, वो भी कॉइन्स। एंटिक राइटर, ये मेरे निवेश, मेरे निवेश। ओके, हेड ग्लास, ये सब रिंग्स है। दिस माय वन फॉर गोल्ड बॉय। अगर यहाँ पे कुछ पेंटिंग वेंटिंग पुराने हैं, यहाँ पे घड़ी वगैरह, लाइटर वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। क्या है इनके? ये यहाँ है नॉर है ना, ये ख़त्म हो गया एंट्री। तो ये है यहाँ पर कुछ, ये लोग रिपेयर वगैरह कर रहे हैं। अरे आप लाओ यार, यहाँ पर भी दांतों का कुछ है आई थिंक। यहाँ पुराने कैमरास भी है। नॉट वर्किंग है। वाइब तो बहुत ही अच्छा है। हम कभी कभी पुराने सामान काम भी नहीं करते, खाली ओनली आप 100 पीस के लिए ले सकते हो। पुराने फोटोज है, we used to have this coin, the Vietnamese coin, but after 5 years the government stopped it, cancel it. Okay, so maybe hum log kuch try karenge, breakfast hum logon ne nahi kiya, yahan pe breakfast try karte hain. To humne ek acha trick kara hai, humne kya kiya, ek drink le liya और एक खाना ले, ब्रेकफास्ट ले लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो हमारे दोनों में हो गए 80 टम में, हम दोनों का खाना और कॉफ़ी भी हो गए।
I think this place look like a gallery more than the market. Because now the seller, they don't care about the trading. They maybe they are the collectors. Bread or omelet. और वो भी फ्री है, मजेदार बात है। अभी हम ट्राई करेंगे दोनों को। ये खाना हमारा फेवरेट है, मैंने खाया था। आई डोंट नो आई ईट इन दलाद। दलाद आल्सो one of them, my favorite is it. Okay. Yeah, about to perform. Music. Wow. Free, yeah. और यहाँ पे I think antique jazz or something. और मजेदार बात यहाँ पे मैं perform भी होता है भाई। वो नहीं पता था, अभी परफॉर्म चल रहा है। देखो वहाँ पर रेडी हो रहे हैं परफॉर्म के लिए। ये हमारे घर के पास, हमारे जो एयरबीएनबी है ना, बाजू में है। और हमारा खाना ख़त्म हो गया और खाने के साथ साथ गाना भी सुन रहे थे। म्यूजिक अंकल जी बहुत ही अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं, अंकल जी बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं। और बहुत सारे फॉरेनर भी यहाँ पर आए हुए हैं सामान खरीदने के लिए। अब वीकेंड में वियतनाम में हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। टिकट थोड़ी महंगी है बट आपको ड्रिंक्स या ब्रेकफास्ट खा के मिलेगा फ्री। ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 20,000 मतलब 60,000 डॉम है। तो चलो अभी निकलते हैं। और आपको ये वाली वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम जाएंगे नानबिन अंकल से मिलने।